हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? माय सेल्फ प्रियांशु शर्मा, मैं आपको करियर गोल्स पे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हमारा एंथ्रोपोलॉजी का पेपर फर्स्ट का चैप्टर वन चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी। पेपर फर्स्ट चैप्टर नंबर 1.7, ठीक है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तक मैं बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ 1.7 में, तो मैं बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और वैसे मैं चैप्टर नंबर 9 और 10 भी पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 1.7 में सेल डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। म्यूटेशन आज का एक छोटा सा टॉपिक है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, इसलिए आज मैं एक छोटा सा ही टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं ज़्यादा 45 मिनट्स की आई होप क्लास ना लूँ। ये क्लास अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स की क्लास जाएगी। ओके, तो चलिए। म्यूटेशन वैसे मैंने आपको पहले भी, जब मैं इंट्रो लेक्चर्स पढ़ा रही थी, ठीक है, जब मैंने इंट्रो लेक्चर्स लिए थे तब मैंने म्यूटेशन आपको एक बार समझाया था। आई होप आपको तब समझ में आया होगा। उस टाइम भी म्यूटेशन में वही थी, फ्लाइंट म्यूटेशन और मिसमैच म्यूटेशन, वही चीज़ें मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी। अब हम प्रॉपर चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसलिए तब मैंने आपको एज ए इंट्रो वो सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को, मतलब हर क्लास में ये चीज़ रिपीट करी है, देन मैं आज भी रिपीट करती हूँ कि मैंने अपना आप लोगों को बोला है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आती है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड, है ना, तो मैं आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको अपना नंबर भी डाला था लास्ट टू लास्ट क्लास में, परसों की क्लास में मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था, ठीक है, कि अगर किसी को भी कोई इश्यू आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मेरा, मैं आज आपको फिर से अपना नंबर देती हूँ, 7425040870, ये मेरा नंबर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी या आपको नोट्स चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर बाय चांस ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप नहीं जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप मेरे को अपने पर्सनली अपना नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर वो सब चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ठीक है। चलिए, ये सब तो डेली की जनरल डिस्कशन जो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले करते हैं वो हो गया। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। आज हम ये सब चीजें पढ़ेंगे म्यूटेशन में। ठीक है, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट, हाँ एक चीज़ और एक बतानी थी, चलिए वो क्लास के लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज ए अल्ट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और अदर जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। म्यूटेशन रिजल्ट विच फ्रॉम एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और अदर टाइप ऑफ डैमेज टू द डीएनए। म्यूटेशन क्या होता है? अब म्यूटेशन को मैं आपको, मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज से ना छोड़ के एक जनरल चीज बताऊँ कि किसी भी उसमें या तो कोई चेंज आ जाना, ठीक है, या कोई सीक्वेंस गायब हो जाना, ठीक है, या तो मतलब कोई, अब जैसे इस फॉर्म में बोलूँ तो कोई न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए सीक्वेंस में उसके, या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एंट्री हो जाए,
ऐसा कुछ हो जाए जो एक नॉर्मल चीज चल रही है, एक जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसमें कोई एरर प्रेजेंट हो जाए, उसमें या तो कोई एडिशन हो जाए या उसमें कोई डिलीशन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन, कि उस चीज में म्यूटेशन क्रिएट हो गया, उस चीज में कोई एरर क्रिएट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो मिस्टेक इन सेल रेप्लिकेशन, जब सेल रेप्लिकेशन और उस टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो कॉज ऑफ म्यूटेशन में द टू मेन कॉज ऑफ म्यूटेशन आर मिस्टेक इन सेल रेप्लिकेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर। मिस्टेक इन सेल रेप्लिकेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड, ठीक है। ईच स्ट्रैंड जो है, ईच स्ट्रैंड इज देन कॉपी टू बिकम अनदर डबल स्ट्रैंड अबाउट द वन आउट ऑफ वेरी टाइम ऑफ ए मिस्टेक अकर ड्यूरिंग कॉपिंग विच कैन लीड टू द म्यूटेशन क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है, देखो करेक्ट कॉपी ये है, ये ओरिजिनल फॉर्म, ये करेक्ट कॉपी, बट यहाँ पे जो ये था इसकी वजह से एक सीक्वेंस चेंज होने की वजह से वो म्यूटेंट कॉपी हो गई, क्योंकि एक पूरे डीएनए सीक्वेंस में कहीं से कोई एक सिंगल चेंज आ जाए, या तो कुछ अलग आके ऐड हो जाए या फिर कुछ डिलीट हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसमें भी क्या हुआ, डीएनए स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड से तो ओरिजिनल करेक्ट कॉपी बनी बट एक स्ट्रैंड से म्यूटेंट कॉपी बनी, ठीक है। और ये मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं है मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स किसी से भी होती हैं, वो मशीन हो या ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक कब होती है, ड्यूरिंग इन द कब होती है, सेल सेल रेप्लिकेशन के टाइम पे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल टू द तंबाकू, यूवी लाइट्स एंड अदर केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से, यूवी लाइट्स की वजह से, या फिर टबैको की वजह से, ठीक है, ये सारे एजेंट्स होते हैं, इनकी वजह से जो है आपके डीएनए में भी कुछ ना कुछ म्यूटेंट चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, इनकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन आता है। दीज एजेंट्स कॉज द डीएनए टू ब्रेक डाउन, दिस इज नॉट नेसेसरी अननेचुरल, इवन इन द मोस्ट आइसोलेटेड एंड प्रिसाइज इन्वायरमेंट डीएनए ब्रेक डाउन, वही चीज़ मैंने बताई। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या मिलेगा, टोबैको हुआ या फिर कोई केमिकल्स प्रेजेंट है, भाई इतने मतलब इंडस्ट्रीज में इतने केमिकल्स यूज होते हैं, वो पानी में किसी किसी का जो आउटलेट है वो वाटर आउटलेट है, मतलब वाटर में उसको बहा दिया जाता है, लोग उसी पानी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से अगर आपके डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उसमें म्यूटेशन क्रिएट हो जाए, आप ऐसे सोच सकते हो, या यूवी लाइट की वजह से कोई म्यूटेशन क्रिएट हो जाए, डीएनए ब्रेक डाउन हो जाए, ये जो एजेंट होते हैं क्या कॉज करते हैं, डीएनए टू ब्रेक डाउन, दिस इज नॉट नेसेसरी अननेचुरल इवन द मोस्ट आइसोलेटेड, ठीक है, इसमें डीएनए का ही ब्रेक डाउन, मतलब ये सब चीज़ें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। रेप्लिकेशन में क्या है, तो वो तो डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसी टाइम पे स्ट्रैंड में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, सिक्वेंस कभी नहीं लगा या फिर गलत लग गया, मिसमैच हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, वो हो गया, लेकिन ये तो इन्वायरमेंट की वजह से भाई, यूवी लाइट्स की वजह से या कोई अनदर केमिकल यूज हो रहे हैं, हाइड्रोएक्सिलामाइन जो केमिकल्स हैं वो यूज हो रहे हैं, ये एजेंट्स यूज हो रहे हैं, इनकी वजह से भी आपका म्यूटेशन क्रिएट होता है। तो ये था आपका म्यूटेशन। अब आते हैं टाइप टाइप ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में क्या आता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन, दो टाइप के म्यूटेशन होंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, और जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में आएंगे साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस, और फ्रेम शिफ्ट में इन्वर्जन डिलीशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है। म्यूटेशन के टाइप्स में क्या आ गए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगेन डिवाइडेड होगा डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके गाइस। उसके जो जीन म्यूटेशन है वो डिवाइड होगा पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या आएगा, साइलेंट आया, मिससेंस आया,
नॉनसेंस आया, ठीक है। और फ्रेम म्यूटेशन में क्या आता है, इन्वर्जन, इंसर्जन, सॉरी इंसर्जन म्यूटेशन, डिलीशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, देन आई विल एक्सप्लेन यू जीन म्यूटेशन, ठीक है। मैं चीज़ें बहुत धीरे धीरे और तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर आपको सच में तब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, बट एक मिनट मैं ये कैमरा देख लूँ कि सही चल रहा है कि नहीं, वन मिनट ना गाइस। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में है डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। इन्होंने इसको यहीं पे एक बार एक्सप्लेन कर रखा है, बट इसको मैं जब चीजें पढ़ता हूँ तो मैं सोच रही एक साथ बता दूं। चलिए मैं एक साथ बताती हूँ, वो स्ट्रक्चर में बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को भी, वो छोटा स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आई। पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, एक क्रोमोसोमल एब्रिवेशन और म्यूटेशन इज ए मिसिंग और एक्स्ट्रा और इररेगुलर पोजीशन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, वही मैंने आपको बताया था, या तो मिसिंग हो जाए या कोई एक्स्ट्रा आ जाए या इररेगुलर हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इट कैन बी फॉर्म ए टिपिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन वन और मोर क्रोमोसोम, ठीक है। दे आर मैनी टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। दे कैन ऑर्गेनाइज इन टू द टू बेसिक ग्रुप, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपने अभी जब मैं क्रोमोसोम का भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, इसके बाद क्रोमोसोम ही है, ठीक है। बट मैं देखती हूँ कि मैं आपको कल क्या पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं थिंक कि आपका 1.6 चैप्टर थोड़ा स्टिल बोरिंग है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको इसके बीच में ही कवर करवा दूँ, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। वो मतलब ऐसे होता है ना, चेंज होती रहती है बीच बीच में टॉपिक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए आई जस्ट थिंक कि मैं आपको वो कम्प्लीट करा दूँ। बट आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि वो पहले कंप्लीट हो, ये पहले कंप्लीट हो। बट आई जस्ट थिंक कि मैं आपको कल, क्या है सैटरडे ना, कल है सैटरडे, तो आई जस्ट थिंक कि मैं सैटरडे संडे में वो आपको कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा दो तीन दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको यही क्रोमोसोम बचा है आपका इसमें और सेल साइकिल और सेल डिवीजन, मतलब सेल साइकिल तो नहीं, आई थिंक सेल डिवीजन है, एक सेकेंड ना। हाँ सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन तो भाई अच्छा खासा लंबा जाएगा, माइटोसिस मियोसिस पढ़ाना पड़ेगा, सेल साइकिल भी इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए, तो वो कम से कम 2-3 दिन का लेक्चर जाएगा। तो आई जस्ट थिंक कि मैं तब तक आपको 6 चैप्टर जो है, 1.6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूँ। देखती हूँ अगर मेरे को सही लगा तो मैं कल आपको, कल और परसों में पहले वो चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराऊँगी, क्रोमोसोम और सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए अभी क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स क्या है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनोप्लॉयडी, an abnormal number of chromosome and occur when the individual either is missing a chromosome from the pair, जिसको मोनोसोमी कहते हैं, जिसमें से एक गायब होता है। अगर दो से ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो उसे ट्राइजोमी और टेट्राजोमी कहते हैं। इन ह्यूमन एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन कॉज बाय द न्यूमेरिकल एनानोमी इज डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइजोमी होती है 21, ठीक है। वैसे हमारे क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं तो बताएगा, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पता है आप लोगों को। आप लोग मेरे को, वैसे भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो कोई भी स्टूडेंट जो है मुझे रिप्लाई नहीं करता है कमेंट बॉक्स में उसका। ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें ट्राइजोमी क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है। तो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि न्यूमेरिकली डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम एक एग्जांपल है। तो डाउन सिंड्रोम होता है क्या है,
डाउन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कॉज बाय एरर इन द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम. द कंडीशन लेड टू इम्पायरमेंट टू बोथ कॉन्जुगेटिव एबिलिटी एंड फिजिकल ग्रोथ. हाउ डू यू हैव द बेबी विद डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम इज टिपिकली कॉज्ड व्हाट इज द कॉल्ड इज नॉन डिसजंक्शन. डिसजंक्शन हैपन व्हेन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल and to separate during the egg or sperm formation. When that the egg unit with a normal sperm to form embryo and embryo ends up the three copy of chromosome 21 instead of the two. ठीक है. Common physical signs क्या होंगे? Muscle tone जो है at the time of birth decreased होती है. Excess skin at the nape of the neck. Flattened nose होती है. अपवर्ड होती है उनकी आईज. ठीक है. ईयर जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं. माउथ भी बहुत छोटा होता है. वाइड एंड वाइट एंड शॉर्ट हैंड्स विद अ शॉर्ट फिंगर. ठीक है. सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन द बोन ऑफ स्कल. ठीक है. सिंगल क्रीज इन द पाम ऑफ द हैंड. ठीक है. वाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज. ठीक है. ये सबसे कॉमन साइन है जो प्रेजेंट होते हैं डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस के ऊपर, जिसको आप देख के बता सकते हैं कि ये चिल्ड्रंस जो है वो डाउन सिंड्रोम से. ये सारे जितने भी चिल्ड्रंस हैं दिस ऑल आर द डाउन सिंड्रोम चाइल्ड. आई हैव ए अमेजिंग आई एंड इन्फेक्शियस लाफ एंड आई ऑलवेज हैव नो हैव व्हेन ही नीड ए हग. आई ऑल्सो हैव ए डाउन सिंड्रोम. इट इज अ पार्ट ऑफ मी नॉट ए डेफिनेशन हु आई एम. ओके. अब आता है सेट. ये भी एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम. ये कब होता है? जब 45X. ठीक है. इज ए कंडीशन इन विच फीमेल इज ए पार्शियली और इनकम्प्लीटली क्रोमोसोम इज एक्स इज मिसिंग. पार्शियली इनकम्प्लीटली ये क्रोमोसोम ही मिसिंग होता है ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन विच ऑल पार्ट ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और ऑल्टर्ड. व्हाइल मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 46 क्रोमोसोम, पीपल विद हैज TS usually have the 45 chromosome. Phenotypic features क्या है of syndrome के? Short होते हैं, low hairline होती है, characteristic facial feature fold होती है यहाँ पे skin. ठीक है. Poor breast development होता है, elbow deformity होती है. ठीक है. ये सब चीज़ें होती हैं, उनको menstruation नहीं होता. Brown spots present होते हैं, small finger nail होते हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें होती हैं. अब आते हैं हम स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज पे. मैंने आपको बताया था ना न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर. ठीक है. और यहाँ पे मैंने बताया था डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन ये क्रोमोसोम म्यूटेशन में आएंगे. तो ये सब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज में. व्हेन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज ऑल्टर्ड दे कैन बी टेक ए सेवरल फॉर्म. डिलीशन में डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन ये चार चीज़ें हैं. ठीक है. एक है नॉर्मल DNA स्ट्रैंड है, इन्वर्जन हुआ. इन्वर्जन मतलब इन सब की जगह चेंज होगा. ठीक है. यहाँ पे इन्वर्जन हो गया. डुप्लीकेशन में कलर का डुप्लीकेशन हो गया. यहाँ पे देखो डुप्लीकेट हो गया, दो बन गए. डिलीशन में एक चीज डिलीट हो गई. इंसर्जन में एक चीज नहीं, कुछ चीजें नहीं आके ऐड हो गई. इसमें डिलीट हो गई, माइनस डबल हो गई, 2x हो गया. ये मैं एक बात बता रही हूँ, मतलब ये मेरा एक शॉर्ट फॉर्म है. ये नहीं कि आपका कुछ भी कर दो आप. इन्वर्जन में रिप्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया. ठीक है. एंड ट्रांसलोकेशन में चीजों जगह मतलब रिप्लेसमेंट होना एक चीज है कि एक चीज से एक दूसरी मतलब हमने अपनी पोजीशन चेंज करी इन्वर्जन में. ठीक है. ट्रांसलोकेशन में प्रॉपर चेंज हो गया. ठीक है. ट्रांसलोकेट हो गए, लोकेशन ये चेंज हो गई.
ठीक है, अब आते हैं डिलीशन में. डिलीशन अगर व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ द जीन. They also usually cause a shift in the reading frame that will be ultimately, ठीक है, चीज़ें चेंज होते रहती हैं, डिलीशन हो जाए, डिलीट हो रही हैं चीज़ें. डिलीशन कैन बी कॉज बाय एरर इन अ क्रोमोसोमल क्रॉस ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस विच कॉज द सेवरल सीक्वेंस. ठीक है, डिलीशन मैंने आपको बताया कि डिलीट हो रहा है कुछ ना कुछ, उसमें से जो है वो डिलीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. जैसे ये ओरिजिनल डीएनए कोड है फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस का, ये डीएनए बेस है और ये सारे अमीनो एसिड्स हैं. बट यहाँ पे आके कहीं पे डिलीशन हो जाता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, आप खुद भी देखिएगा. CATC, और यहाँ पे डायरेक्ट टी, तो यहाँ पे ए का एक डिलीशन हो गया. तो यहाँ पे सारे उसके बाद इनकरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस बन गए विच में प्रोड्यूस ए माल फंक्शनिंग प्रोटीन. ठीक है, समझ में आ गया कि उसमें डिलीशन हो रहा है, उसमें से डिलीट हो रही है चीज़ें. उसके बाद जो है प्रोटीन्स में भी, मतलब जो अमीनो एसिड फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम माल फंक्शनिंग हो रही है. ठीक है, अब आते हैं डुप्लीकेशन में. A portion of the chromosome is duplicate resulting in the extra genetic material. इसमें क्या है, वो duplicate हो रहा है. ठीक है, जैसे ये chromosome था, ठीक है, but यहाँ पे duplication area आ गया, तो यही area जो है वो दो बार form हो गया, तो duplicate हो गया. Duplication arise from an event termed unequal crossing over. Duplication arises from an event termed unequal crossing over that occurs during the meiosis between the homologous chromosomes. ठीक है, ये जैसे ABC क्रोमोसोम है, DEF क्रोमोसोम है, कि नॉर्मल क्रोमोसोम था, बट वन सेगमेंट रिपीटेड हो गए. सेगमेंट जो है वो इसमें क्या डुप्लीकेशन है, तो चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं, मतलब डबल होती जा रही हैं. कोई भी क्रोमोसोम है उसमें क्या एक कोई सेगमेंट है वो क्या डुप्लीकेशन पोर्शन है, तो वहाँ से चीज़ें क्या डुप्लीकेट होनी. जैसे ये नॉर्मल सेगमेंट है, बट ये क्या डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो गया यहाँ पे, तो वन सेगमेंट रिपीटेड हो गया. ऐसे यहाँ पे तीन जगह, तो तीन बार क्या रिपीट्स हो गए. ठीक है, इनवर्जन, ए पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम हैज ब्रोकन ऑफ, ठीक है, टर्न अपसाइड और रीअटैच, देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल इज इनवर्टेड. ठीक है, ये ABCDEFGHI है, इन्वर्जन हुआ तो इसमें क्या जगह चेंज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मिरर में नहीं होता इन्वर्जन दिखाई देता, इन्वर्ट दिखाई देता, वैसे वाला इन्वर्ट हो जाएगा. ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज कॉज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम 440, इसमें क्या ट्रांसलोकेशन हो गया, बिफोर ट्रांसलोकेशन एंड आफ्टर ट्रांसलोकेशन. ठीक है, अब ये खत्म हुआ हमारा क्रोमोसोम म्यूटेशन. क्या खत्म हुआ, क्रोमोसोम म्यूटेशन. अब देन हम आगे पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन. ठीक है, तो ये म्यूटेशन का टॉपिक जो है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि म्यूटेशन में इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं. ठीक है,
मतलब इन जनरल जितना चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी हो आपके लिए। जनरल जो जो चीज़ें हैं वो मैंने सब आपको बताई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जीन म्यूटेशन पे। जीन म्यूटेशन इज अ परमानेंट अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप ए जीन दैट मेक्स अप ए जीन सच दैट ए सीक्वेंस डिफर फ्रॉम वॉट इट फाउंड इन मोस्ट पीपल। म्यूटेशन रेंज इन साइज दे कैन अफेक्ट एनी वेयर फ्रॉम द सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इंक्लूड द मल्टीपल जीन्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है? पॉइंट म्यूटेशन, फिर आता है नॉनसेंस एंड मिससेंस, फिर आता है साइलेंट, फिर आता है फ्रेंडशिप म्यूटेशन, फिर आता है डिलीशन म्यूटेशन, इंसर्जन म्यूटेशन। ये दोबारा से ही क्या गलत, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। एक टाइप का म्यूटेशन है दैट कॉज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस। सेकेंड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस सब्सटीट्यूशन इंसर्जन और डिलीशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड डीएनए। मतलब उसके अंदर ये सारी चीजें डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन क्या क्या है? पॉइंट म्यूटेशन इज ए रैंडम एसएनपी, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन इन द डीएनए। ए सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कैन चेंज द होल डीएनए सीक्वेंस। एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो चेंज कर देता है पूरा डीएनए सीक्वेंस को, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में अराइज फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दैट अकर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। द रेट ऑफ म्यूटेशन मे बी इंक्रीज बाय द म्यूटेजर, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? चेंज ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंक्लूड द डिलीशन इंसर्जन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इन द जीन, ठीक है। स्किल सेल डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ ए वन न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन अकर इन द हीमोग्लोबिन जीन के, ठीक है। अब आते हैं नॉनसेंस एंड मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस में कोड फॉर द स्टॉप विच कैन द प्रोटीन ए सेंस ए नॉनसेंस म्यूटेशन कन्वर्ट ए अमीनो एसिड कोडोन इन टू ए टर्मिनेशन कोडोन, ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है? वो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड कोडोन को टर्मिनेशन कोडोन में। दिस कॉज द प्रोटीन टू बी स्टॉप एंड शॉर्ट, जिस वजह से प्रोटीन क्या हो शॉर्ट एंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ए स्टॉप कोडिन कोड्स इंटरप्टिंग इट्स नॉर्मल कोड, क्योंकि स्टॉप कोड जो है वो इंटरप्ट कर देते हैं नॉर्मल कोड्स को, ठीक है। समझ में आया? नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन के अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टर्मिनेशन कोडोन में। अमीनो एसिड कोडोन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टर्मिनेशन कोडोन में, जिससे प्रोटीन जो है वो शॉर्टेंड हो जाता है बिकॉज क्योंकि शॉर्ट जो स्टॉप कोडोन है वो इंटरप्रेटिंग करेगा इट्स ए नॉर्मल कोडोन की तरह, ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन, इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन विच ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज रिजल्ट इन ए कोडोन दैट कोड्स द फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड। इट इज टाइप ऑफ ए नॉन सिनोप्सिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। साइलेंट कोडोन फ्रॉम द सेम अमीनो एसिड, ठीक है। ए साइलेंट म्यूटेशन हैज नो इफेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। साइलेंट म्यूटेशन में प्रोटीन के फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन चेंज बट द न्यू कोडोन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड रिजल्टिंग इन ए अनम्यूटेड प्रोटीन। दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड सिनोमिनिन चेंजेस सिंस द ओल्ड एंड न्यू कोडोन आर फॉर द सेम अमीनो एसिड। साइलेंट म्यूटेशन आर नॉट ऑलवेज साइलेंट, जैसे ये साइलेंट म्यूटेशन है कि आपका ये होता है ना यूरोसिल सी एंड यूरोसिल और म्यूटेशन हुआ यू सी, पता ही नहीं चला साइलेंट म्यूटेशन है। लेकिन साइलेंट म्यूटेशन से जो है प्रोटीन के फंक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड कैन चेंज बट न्यू कोडोन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड रिजल्टिंग क्या होती है अनम्यूटेड प्रोटीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड है फ्रेमिंग एरर। हम इसको फ्रेमिंग एरर भी बोल सकते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को, या फिर हम रीडिंग फ्रेम शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं, या तो फ्रेमिंग एरर बोल दें या
रीडिंग फ्रेम शिफ्ट मोड, इट इज अ जेनेटिक म्यूटेशन कॉज्ड बाय द इंसर्जन और डिलीशन के वजह से कॉज होता है ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए सीक्वेंस, इट इज नॉट डिविजिबल बाय द थ्री। ये देखो डिलीशन ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंप्लीटली ऑल्टर द सब्सट्रेट रीडिंग फ्रेम एंड रिजल्ट इज अ नॉनसेंस सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। ठीक है, इंसर्जन और डिलीशन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, चेंज द रीडिंग फ्रेम लाइक द चेंजेस सेंटेंसेस एंड प्रोटीन इनबिल्ट इनकरेक्टली। ठीक है, डिलीशन म्यूटेशन में क्या है, डिलीशन म्यूटेशन ये भी एक म्यूटेशन है इन विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन के टाइम में। डिलीशन इज कॉज्ड बाय द एरर इन क्रोमोसोमल क्रॉसओवर ड्यूरिंग द मियोसिस विच कॉज द सेवरल वेरियस जेनेटिक डिजीजेस जिसमें विंस्टनम सिंड्रोम को कॉज करते हैं। स्मॉल डिलीशन आर लेस लाइकली टू बी द फैटल एंड लार्ज डिलीशन आर सो फार यूजली फैटल। ठीक है, इंसर्जन भी वही है, इंसर्जन में इट इज एडिशन और वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इनटू डीएनए, इसमें क्या एडिशन हो रहा है एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस में। इंसर्जन कैन बी पार्शियली हैजार्डस इट इफ दे अकर इन एक्सॉन एंड द अमीनो एसिड कोडिंग रीजन ऑफ द जीन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है म्यूटेशन टॉपिक। ठीक है, म्यूटेशन पूरा खत्म हो गया है, सेल खत्म हो गया है, डीएनए खत्म हो गया है, रेप्लिकेशन खत्म हो गया है एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो खत्म हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस चैप्टर नंबर 1.7 के जो मैंने अभी तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी बचे हैं खाली एक तो क्रोमोसोम और एक सेल डिवीजन, ये दो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। मैं देखती हूँ ये मैं कैसे कवर करवाती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों से आज का ही बोला था कि मैं आज 1.6 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, तो इस वजह से मैंने वो इसके ऊपर मतलब आपको पीपीटी आज नहीं बना पाई थी मैं, तो इसलिए मैं नहीं करवा पाई। बट आई होप आज मैं थोड़ा देखती हूँ, नहीं तो मैं कल आपको 1.6 चैप्टर जो है वो 101% वो मैं कल आपको शुरू करवा देती हूँ, तो आप वो लोग वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा तो सब्जेक्ट में क्या है टॉपिक में क्या है। मेरा मतलब ही ये 1.7 के बीच में 1.6 डालेंगा कि एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, एक नया कुछ आ जाएगा तो ये कि चलो कुछ चेंज आ गया, देन फिर इसी चीज़ को पढ़ना ही है, वही तो पढ़ना है घुमा फिरा के, अब नहीं तो कल। ठीक है, पढ़ना तो हमें सभी को सारे वही चैप्टर हैं बेचारे एंथ्रोपोलॉजी जिन्होंने ऑप्शनल लिया है यूपीएससी में। ठीक है, चलो ठीक है, और अब तो इस चैनल पे एक मैम और आ गई हैं आपको पढ़ाने के लिए जिनको आप बहुत समय से जानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 months, हाँ 7 to 8 months से आप उनको जानते हैं, रमा शर्मा। आज अभी उन्होंने एक लेक्चर भी अपना अपलोड किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो भी लेक्चर जाके देखें और कमेंट करिए, शेयर करिए। आई होप आप उनके वीडियोस को कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि आप उन लोगों को बहुत पहले से जानते हैं, है ना। मेरे को तो अभी आप पिछले 1 month से जानने लगे हैं जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए थैंक यू, प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को इसी के नीचे प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये मेरे लिए तो क्या आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं, बाकी मैं अपना नंबर आज आपको दे चुकी हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे भी मेरे को बता सकते हैं, बट सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी से ही रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक कोई भी हो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय।
कल मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। चलिए ओके बाय स्टूडेंट। आई होप लास्ट में भी जाते जाते आपको बोल रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो अब तो मैंने भी अपना नंबर दे दिया, मैं दो क्लासेस से अपना नंबर डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी मेरे को कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके